पिछले महीने Xiaomi ने MIUI 12 को चाइना के अंदर में लॉन्च करा था और उसके बाद से ही आप में से काफ़ी सारे लोग बेताब हो इस नई UI को यूज़ करने के लिए, क्योंकि हर बार की तरह Xiaomi की तरफ से इस बार भी MIUI 12 में काफ़ी सारे नए और इंटरेस्टिंग फीचर दिए गए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कहानी तो अभी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये जो UI है अभी ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है और इसके बाद में Xiaomi ने एक अलग से लिस्ट निकाल दी है अपने स्मार्टफोन की कि भैया ये जो स्पेशल फीचर हैं ये आप लोगों को केवल Xiaomi के स्पेशल फोनों में ही देखने को मिलेंगे, बाकी फोनों में आपको MIUI 12 के ये फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए जरा इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और ये जो लिस्ट है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो राम राम, मैं नाम आशीष एंड वेलकम टू टॉक टॉक जॉकी। और जो पहला फीचर है जिसके बारे में आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है और आप में से काफी सारे लोगों को ये फीचर पसंद आया था, वो है यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर का। यानी कि MIUI 12 में हमको जैसे अर्थ और मास के लाइव वॉलपेपर मिलते हैं, जहां पे हम लोग फोन को जब अनलॉक करते हैं तो एक जूम इन वाला इफेक्ट मिलता है, उसके बाद उस प्लेनेट की जो सरफेस है वो हमारे फोन की स्क्रीन पे आ जाती है। तो ये जो फीचर है हमको केवल कुछ सिलेक्टेड डिवाइस में देखने को मिलेगा, यानी कि जो जूम इन वाला फीचर है ये हमको सारे ही स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो लिस्ट है सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो कि किन किन स्मार्टफोन में ये हमको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं केवल अभी के लिए बात करना चाहूंगा उन फोन के बारे में जो कि हमको इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। और वो जो फोन है केवल दो स्मार्टफोन है, एक यहाँ पे MI 10 और दूसरा यहाँ पे Redmi K20 Pro। और जो लिस्ट आप लोग देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम MI सीरीज वाले ही स्मार्टफोन हमको मिलते हैं और बाकी स्मार्टफोन में हमको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक ये बात कही गई थी कि भैया यहाँ पे जो AMOLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन है उन्हीं के अंदर में हमको सुपर लाइव वॉलपेपर या फिर जूम इन इफेक्ट वाला जो फीचर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग Xiaomi को कोई ऐसा स्मार्टफोन बाय करते हो जहां पे AMOLED डिस्प्ले मिलती है तो ये सोच के मत बैठना कि उसमें हमको सुपर लाइव वॉलपेपर वाला फीचर मिलेगा, क्योंकि यार इंडिया के अंदर में Redmi K20 स्मार्टफोन भी है जहां पे AMOLED डिस्प्ले मिलती है लेकिन उसके बाद भी सुपर लाइव वॉलपेपर वाला फीचर उस फोन में हमको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है यहां पे फ्लोटिंग विंडो का। फ्लोटिंग विंडो के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऐप को हम लोग एक छोटी सी विंडो में ओपन कर सकते हैं और कोई नोटिफिकेशन अगर हमको आती है किसी ऐप की तो उसके बाद में उस नोटिफिकेशन से ही हम उस ऐप को एक छोटे से विंडो में ओपन कर सकते हैं। दूसरा फीचर यहाँ पे है एनिमेटेड आइकन का। और जो दोनों फीचर हैं ये दोनों फीचर भी हमको केवल कुछ सिलेक्टेड डिवाइस में ही देखने को मिलेंगे। ये रहे लिस्ट आप लोगों की स्क्रीन पे। और इसमें से भी मैं बात करना चाहूंगा केवल उन फोन के बारे में जो कि अभी इंडिया के अंदर में लॉन्च हैं या फिर इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है ये है MI 10, Redmi K20 Pro, Poco X2, Redmi K20, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Poco F1, Redmi 7। केवल इन्हीं स्मार्टफोन में हमको ये फीचर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, ये फिर बात करता हूँ Redmi Note 8 की, Redmi Note 7S की। और इसके अलावा जो पुराने स्मार्टफोन है जैसे कि हमको मिलता है Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6, Redmi Note 5, 5 Pro, Redmi Y2, Redmi Y3, इन फोनों को तो हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे भूल ही जाते हैं, क्योंकि जब लेटेस्ट स्मार्टफोन में हमको ये फीचर नहीं मिल रहे हैं तो शायद से Xiaomi पुराने स्मार्टफोन में शायद से क्या यार लिस्ट आ चुकी है, इन फोन में तो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग Xiaomi या फिर किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस सुपर लाइव वॉलपेपर वाले फीचर को यूज करना चाहते हो तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाके भी आप लोग देख सकते हो। और मेरे जो ओपिनियन है यार इन सभी के बारे में, मुझे लगता है कि Xiaomi को इस तरह की पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जो भी फीचर यार वो MIUI 12 के अगर हैं तो सारे उन स्मार्टफोन में देखने को मिलने चाहिए जहाँ पे MIUI 12 का अपडेट हमको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्मार्टफोन पुराना हो चुका है तो MIUI 12 के उसके कम फीचर उसमें कम फीचर हम लोग देंगे, या फिर कोई फ़ोन सस्ता है तो उसमें MIUI 12 के कम फीचर हम लोग देंगे। ऐसा मुझे लगता है कि Xiaomi को नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरे भाइयों पूरी कहानी। आप लोगों के क्या विचार है यार, आप लोग क्या कहना चाहते हो Xiaomi के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर से बता सकते हो आप लोगों के जो भी राय या फिर ओपिनियन है। साथ ही ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव और काम की लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो और यहां तक पहुंच चुके हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।